Hi everyone, good morning. As you know that today is 18th September. 18th September has own importance. Puri duniya aaj ke din World Bamboo Day celebrate karti hai. Vishwa Bans Divas. Jaisa ki hum aur aap sab jante hain, puri duniya mein bans ki paidawar hoti hai. Ye khas karke tropical aur subtropical जो उनका पैदावार है. बांस लगता है ना कि कोई पेड़ है, नहीं, बांस एक घास का पौधा है. ये एक प्लांट है, ग्रास है. दुनिया की सबसे लंबी घास बांस है. इसकी उम्र 100 से लेके 125 वर्ष होती है. याद रहे, बांस की उम्र 100 से 125 वर्ष होती है. और बांस की जब मृत्यु करीब आती है, यानी उसका लाइफ खत्म होने लगता है, तो बांस के पौधों में फूल आने लगते हैं. और फूल आने का मतलब है कि अब ये बांस का पूरा जो झुरमुट है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा 5 से 7 से 8 साल में. याद रखिएगा, भारत में 2001-02 के आसपास गुजरात के एक बड़े एरिया में बैम्बूज का एज पूरा हो रहा था, और इसी तरह से बिहार और बंगाल में भी एक बड़े पैमाने पर बांस समाप्ति की ओर था. एक्चुअली उसका एज हो रहा था. याद रखिएगा, बांस में भी फूल लगते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग देखते हैं, क्योंकि 125 साल जिंदा कौन रहता है. याद रखिएगा, तो कहने का मतलब ये है, बांस के फूल बहुत कम ही लोग देखते हैं. बांस को, बैम्बू को वंश, संस्कृत में वंश कहते हैं, और वंश से ही हम मनुष्य के जनरेशन को दिखाते हैं. वंश वृद्धि, डायनेस्टी, वंश, यानी बांस जो आप एक सिंगल देखते हैं वही एक नहीं है, पूरा जो एक उसका कहते हैं झुरमुट होता है, वो पूरा मिल करके एक बांस है, जिसमें कई सारे हैं, जड़ से एक दूसरे से निकल रहे होते हैं. वैसे हर एक सिंगल बांस को देखें तो 3 साल में परिपक्व हो जाता है, मैच्योर्ड हो जाता है, काटने लायक हो जाता है. वैसे वो 5 साल तक भी छोड़ा जा सकता है, 5 साल बाद वो सूखने लगता है, इस बीच तीसरा चौथा निकलने लगता है. इस तरह से पूरा झुरमुट 125 साल के आसपास का होता है. तो बांस की उम्र पता चल गया, दुनिया की सबसे लंबी घास का पता चल गया. अब ध्यान दें, बांस का संदर्भ जो है, हमें यह देखना है कि घास है, और दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं, पौधे हैं, या पेड़ कहें या वनस्पतियां, प्रति 24 घंटे में सबसे ज्यादा वृद्धि, ग्रोथ बांस की होती है. 16 इंच ग्रोथ होता है विद इन 24 आवर, और विद इन 1 ईयर वो अपना टोटल ग्रोथ, टोटल जो है उसका लेंथ आ जाता है. पॉइंट क्लियर. बांस के 1-2 नहीं, 2000 के आसपास प्रकार, वैरायटी है, तो ये ध्यान में रखिएगा. बांस दुनिया में सबसे ज्यादा चीन पैदा करता है. भारत में बांस सबसे ज्यादा असम में होता है. वैसे बांस साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया दोनों जगह है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, विषुवतीय प्रदेश और समशीतोष्ण यानी उपोष्ण प्रदेश दोनों में होता है. बांस जो है, इसे बहुत सारे हस्तकलाएं निर्मित होती है, बहुत सारे घर के, बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स, अप्लायंसेस होते हैं, वस्तुएं होती हैं, डेकोरेशन की चीजें होती है, बनती है. फर्नीचर्स के रूप में देखिए, ढेर सारी चीजें बांस की बनती है. बांस के उत्पादन को बढ़ाने के ऑपरेशन ग्रीन गोल्ड चला हुआ है, या ऑपरेशन ग्रीन कहते हैं, हरित क्रांति यानी बांस, ऑपरेशन ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति. याद रहे, बांस को, बैम्बू को ग्रीन गोल्ड कहा गया है, हरा सोना कहा गया है, क्योंकि इसका अपना एक इंपॉर्टेंस है. कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड में बांस के बिना हम सोच नहीं सकते. भारत में 59.5% लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने लाइवलीहुड के लिए, जीविकोपार्जन के लिए जीवित हैं कृषि पर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से. स्वाभाविक सी बात है, लगभग 65% भारतीय आज गांव में रहते हैं, और गांव में अभी भी 50% लोगों के घर घास फूस, झोपड़ी और बांस के बने होते हैं. बांस का
बहुत बड़े पैमाने पर उद्योग है। याद रहे, बांस के हम कभी एक्सपोर्टर थे, पर आज बांस की जरूरत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हम इंपोर्टर हो गए हैं। इसीलिए ऑपरेशन ग्रीन, ग्रीन गोल्ड चला करके हम कोशिश करें बांस के उत्पादन को बढ़ाएं। ठीक है, याद रहे बांस की इतनी सारी वैरायटीज हैं कि बहुत सारे जो बांस हैं उसके जो बिगनिंग होती है न्यू प्लांट, उसको काट करके अचार बनाया जाता है, खाना बनाया जाता है, लोग उसे खाते हैं बहुत तरह। ये ध्यान में रखिए, पॉइंट क्लियर। बहुत सारे ग्रामीण सभ्यता में, ग्रामीण जीवन में जो रीति रिवाज होते हैं, पूजा पाठ, उन तमाम जगहों पर बांस की जरूरत होती है। उपनयन संस्कार में बांस काटने का प्रचलन बरुआ के हाथों होता है। तो ध्यान में रखिएगा, बांस बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। दुनिया की जो सबसे बड़ी लंबी बांस होती है उसको आप लोग क्या कहते हैं, टी बैम्बू। एक्चुअली उसका कलर चाय के, जो मेरा बैकग्राउंड है वो देखिए, बैकग्राउंड ये जो पीछे है दरवाजा, वो भी बैम्बू का टी कलर में ही आएगा। तो जो टी बैम्बू है, जो चाइना में होता है सबसे ज्यादा, कहते हैं कि ये 200 फीट तक लंबी हो जाती है। पर चलिए, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग उपज के तरीके हैं। इवन बैम्बू जो है सिंचाई का साधन हो जाता है हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, पहाड़ी क्षेत्रों में एक खेत से दूसरी जगह तक झरनों का पानी, रिसते हुए चश्मों का पानी खेतों तक पहुंचाने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए पहुंचाने के लिए, जो है उसको मोड़ देने के लिए बांस की नालियां तैयार कर दी जाती है, उससे बैम्बू के थ्रू जो है वो चलता रहता है। तो बहुत सारी कहानियां हैं बांस के ऊपर, बहुत सारी कहानियां हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। आज सामान्यतः एक बांस जनरली 40 से 50 फीट लंबाई का होता ही है, और इस बांस की कीमत लगभग 200 रुपए से लेके 400 रुपए तक होता है, याद रखिए। और बांस के चाप, हरौत, टी बम्बू और ऐसे ढेर सारे प्रकार हैं। तो बांस हमारे जीवन में जहां तहां जो है, अगर कहीं भी नेशनल ग्रास की अगर जरूरत पड़े, मैं तो यही कहता हूं भारत सरकार से कि जब भी आप नेशनल ग्रास की बात करें, राष्ट्रीय घास की बात करें, तो बैम्बू यानी बांस को राष्ट्रीय घास घोषित करना चाहिए, घोषित करना चाहिए, नो डाउट। तो मैं बांस के साथ जाना चाहूंगा, इसका इंपॉर्टेंस है, और यूपीएससी में हर जगह ढेर सारे इसके सवाल हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए। बैम्बू कर्टन एक मुहावरा भी है, यानी आप बाहर से झांकिए अंदर मत जाइए, यानी आप झांक तो सकते हैं लेकिन पूरा दृश्य नहीं स्पष्ट होता, तो इसको बैम्बू कर्टन कहते हैं। खैर चलिए, ये इंटरनेशनल रिलेशन में इस्तेमाल होता है। बाय द वे, एक और बात मैं बताना चाहूंगा, एक बात और ये कि आज 18 तारीख है, आज है नेशनल, ठीक है ध्यान में रखेंगे, नेशनल फर्स्ट लव डे। नेशनल फर्स्ट लव डे यानी लोग दुनिया मना लेते हैं, कुछ ना कुछ जीने के बहाने ढूंढ लेते हैं, खुशियों के बहाने ढूंढ लेते हैं। जीवन में कभी भी किसी से आपका प्यार हुआ है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी हो, लड़का लड़की, प्यार हुआ है, तो जो फर्स्ट लव है वही फर्स्ट लव डे। पर चलिए, ये कोई हमारे लिए उतना मायने नहीं रखता, हमारा है बैम्बू डे। बैम्बू के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन, बैम्बू को कहते हैं ग्रीन गोल्ड। दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक चीन, भारत में सबसे बड़ा असम, और ऐसे ढेर सारे हर जगह पाया जाता है। तो चलिए, बैम्बू के बारे में आप स्पष्ट रूप से जान गए, मुझे बस यही बताना था। लेकिन एक रिक्वेस्ट है विद्यार्थियों के हित में, इस फ्री एजुकेशन के एक प्रोजेक्ट को लेकर हम चल रहे हैं हमेशा के, आपसे बस एक ही गुजारिश है, विनती है कि इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल रामेंद्रा द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन बजा दीजिए, और कोशिश करिए जहां तक संभव हो इसको स्प्रेड करिए विद्यार्थियों के हित में, इतना बस करिए। आपसे यही एक जो है विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए।